अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप लोगों का YouTube चैनल में। यार काफी देर बाद ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अमेजिंग ब्लॉग आने वाला है। ठीक है, जरा देखो इंतजार करते हैं आप लोगों को। सुन लिया इसने तो गाइज, आज का जो व्लॉग है मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे मैंने रैंडम व्लॉग जो थे ना छोड़ दिए थे, इसलिए आज स्टार्ट कर रहा। आज का व्लॉग रैंडम नहीं है, आज का व्लॉग जरा अमेजिंग होने वाला है, ऐसे अमेजिंग होने वाला है। काफी जरा खुशियां चढ़ी हुई है ना, जितनी स्पीड से जा रहा है इतनी खुशियां चढ़ी है आज। गाइज बड़ा एक्साइटेड है ये बंदा, ठीक है हम भी खुश है, चलो निकल जाएगा दुनिया जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना वो, क्या कहते हैं, लड़की है तो इंसान फिर ही कामयाब होता है। मैंने भी जब भी कामयाब होना मुझे फीलिंग आ रही है, मैं मेरी शादी होनी, मैंने जब भी कामयाब होना इससे पहले नहीं होना। तो गाइस क्या कहते हैं, इसकी शादी आपको बताया था, निकाह तो हो गया होगा, ठीक है। तो अब शादी जो है वो मेरे ख्याल से एक दो महीने तक है शादी है, तो आज हम जा रहे हैं उसका फर्नीचर डालने, ठीक है। एक दो महीने तक नहीं है, नवंबर तक वो ही दो तीन महीने जो रह गया रह गया, वहां जाके आपको मिलते हैं। घर में बना लिया, देखो ना घर में इसने फर्नीचर का अपना सिस्टम बनाया, सारी प्रमोशन टिकटॉक से है, तो हम भी वहां से देख के जा रहे हैं। मैंने बनाया सिस्टम, तो मैं आप लोगों का सीन बता दूं, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो बनाते बनाते उसने कहा वीडियो बनाना अलाउ नहीं, उसने वीडियो मैं कहा डिलीट कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्राइवेसी होगी, क्योंकि अंदर फर्नीचर पड़ा था, मगर कुछ दो तीन शॉट्स ले लिए जो आप देख लेना, ठीक है। और प्राइस की 10-12 लाख के बेड है खाली से, अब दूसरी जगह भी जा रहे हैं, वहाँ जाके भी देखते हैं, क्योंकि शादी के लिए लेना है तो अब अच्छी चीज़ तो लेनी ही लेनी है, ताकि आगे जाके देखते हैं। चलो निकालो। सो जी गाइस हम आ गए हैं अब फर्नीचर मार्केट, जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन में सारी फर्नीचर मार्केट है। पहले तो भाई उधर इसलिए रुक गए थे, वो बहुत ही महंगा था बहुत ज़्यादा, और ना कोई ऐसी वैरायटी की चीज़ थी ना कुछ। ये अब आ गए फर्नीचर मार्केट, तो अब देख सकते हैं। यार यहाँ तो ये वाला सीन सही है, मैं ब्लॉगिंग से नहीं रोक रहे, वहाँ रोक रहे ही उन्होंने ब्लॉगिंग से, जी भाई ब्लॉगिंग नहीं करनी, ब्लॉगिंग नहीं करनी। ये अब कुछ लगे हैं बेड तो देख रहे थे, पीछे देख लेते हैं, वो पीछे वहाँ सही है, वो क्योंकि पीछे बड़ी मार्केट है, वहाँ से पता लगता है कि जहाँ बेड भी बने पड़े हों पहले, फिर तो तस्वीर वगैरह भेज के पता करवा। आगे नहीं है हमें लग रहा, वो पीछे बड़ी मार्केट है। हाँ यहीं खड़ी कर सकते, इनकी प्राइस फिर भी ठीक है और चीज दे ले वही चीज, बस जान के ना, जान के बस वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना ब्रांड एक इमेज क्रिएट कर दिया है, बस ये बात है, उन्होंने जरा पैक शैक करके लाइटनिंग करके जरा सारी सब करके देख लेते हैं जाने। फर्नीचर का जो सीन है ना यहाँ, ये सीन ये यहाँ ऐसा है कि हम जो डिज़ाइन वगैरह, हर बंदे का अपना अपना डिज़ाइन है, इस वजह से अंदर जाके वीडियो मैं नहीं कैप्चर कर सकता, वो कह रहे हैं भाई अंदर जाके वीडियो नहीं बनानी, अंदर जाके वीडियो नहीं बनानी, अब हमारे फर्नीचर का वो जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं वो लीक आउट हो जाएगी, इस वजह से मैं डायरी कैप्चर कर रहा हूँ, अंदर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हमने नंबर वगैरह ले लिया, बाकी हम जाके आगे देखते हैं क्या डिज़ाइन कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बुक करवाया, आगे जाके देखते हैं। A few moments later. बात तो ये है कि ये जो लड़कियों वाले काम है ना, ये तो बड़े औखे काम थे। चलो शुक्र है हमने तो बस जाना था देखने, अगर हमने कर लिया था सिलेक्ट फिर तो बड़ा आसान काम था, फिर तो हमने पकड़ना था जो भी पसंद आना था, जब हमने आके जाना था ना देख देख के, तो हमने जो भी पसंद आना था हमने कहना था डालो इसको, चलो जी लेके जाए, बस तस्वीरें तस्वीरें भेज दी है, तैयब ने अब जो पसंद आएगा फिर इनशाला वही लेंगे, और जो तैयब साहब अपने घर रखेंगे जो घर बन रहा है, तो माशाल्लाह से तैयब की शादी होने वाली है नवंबर में, तो उसके बाद तैयब ने बिजी हो जाना है, तो जो क्या कहते हैं न्यू ईयर वगैरह जो मरसा मनाता था वो अब
भाभी के सामने है, सही है ये सच दस रहे हैं, तुम मजाक ले रहे हैं, ये सच है गाइस, ये कड़वा सच है। ऐसा भी यार अगर ऐसी होना है, जिन जिन की शादियां हो रही हैं बाद में कोई किसी को नहीं मिलता, सारे अपने मजे में होंगे भाई, हैप्पी न्यू ईयर मनाने जाएगा वो, फिर अपने एंजॉय में हम अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे इंशाल्लाह। तो जूस वगैरह मंगवाया, अब जूस पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ब्लॉग बनाना है। जो पिंक लेडी है ना, जूस का नाम है पिंक लेडी, जिस दिन हमने पहली दफा पी थी ना, जो जो कह के मैं पढ़ाया गया था ना, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता ब्लॉग में, फिर बड़े लोग ने गंदे गंदे कमेंट्स करने, तो समझ जाओ हमें रिश्ते नहीं करता, तो कहता है इसमें पता नहीं क्या डाल के देता, समझ तो ये हो गया आपको। तो बाकी क्या कहते हैं, अब घर जा रहे हैं, जिम शिम जाते हैं, फिर देखते हैं। हाजमीन पहले का लेके आया था मैं, इसमें पिंक लेडी में कुछ है ऐसा जो भी है, अब यकी थी हाँ, बड़े हम परेशान थे, तो इसलिए हमें ठंडा किया था। जब रिजल्ट आता ना, तो ये ऐसी चीजें हमें ठंडा करती हैं, क्योंकि हम रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आते ना। आज का ब्लॉग हम यहाँ ही एंड करते हैं, चैनल को मस्त सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि कल जो वीडियो आ रही है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी आपका भाई सुबह 9 बजे उठ के ये एंडिंग कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि एक ब्लॉग काफी ज्यादा अमेजिंग आने लगा है, उसके लिए रेडी होना है, तो मैं कल की एंडिंग भूल गया था। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब मार देना, भाइयों को दुआओं में याद रखना, ठीक है। जो कल का ब्लॉग आ रहा है, कल के ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून रहना, काफी ज्यादा अमेजिंग वाला ब्लॉग आने वाला है, और आप लोगों की पुर उम्मीद जिसे कहते हैं ना, काफी ज्यादा ख्वाहिशों से वो लोग आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा कहा था चैलेंज ब्लॉग इंस्टा पे, इतने लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा स्पेशल आप लोगों के लिए बनाना, तो मस्त चैनल को सब्सक्राइब बनता है, अगर अभी भी किसी ने नहीं किया ना, तो फिर तोड़ दिया यार।